नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो सिलसिला ये सियासत का कभी रुकता नहीं है, इसलिए बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की आज हम बात करेंगे। इन्हीं राजनीतिक किस्सों को लेकर आए हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। रायपुर के दक्षिण में उपचुनाव के दंगल में सियासी रण तेज हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को भारी बताया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के एकमात्र विधानसभा रायपुर दक्षिण सीट पर हो रहे उपचुनाव के दंगल में एक के बाद एक नया दांव पेच देखने को मिल रहा है। ताजा मामला कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को बाहरी बताने का है। दरअसल रायपुर लोकसभा सीट से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आकाश शर्मा को बाहरी कह दिया। इतना ही नहीं, बृजमोहन अग्रवाल ने यहां तक कह दिया कि आकाश शर्मा को रायपुर के 1% और दक्षिण विधानसभा के 0.5% लोग भी नहीं जानते। अगर दक्षिण विधानसभा के 100 में से 10 लोग भी आकाश को जानते होंगे तो मैं इनाम दूंगा। वहीं प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने भी तंज कसते हुए आकाश को बाहरी प्रत्याशी बताया था। अभी स्थितियां क्लियर हो गई है। देर सवेर कांग्रेस के नवे प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो 0.5% जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने लिया है। छत्तीसगढ़ में साल 2018 से 2023 के समय को याद कर लीजिए, जब स्थानीय बाहरी को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहीं। लेकिन नियम कानून भी कहता है कि मूल निवासी कहलाने या प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कम से कम 15 साल ही निवास करना जरूरी है। खैर, स्थानीय और बाहरी को लेकर चल रही इस चुनावी बयार के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल पर करारा तंज कसा है। पूर्व सीएम ने कहा कि सबका अपना गाँव होता है। भाजपा के सांसद आकाश शर्मा को बाहरी तो बता रहे हैं, मगर सुनील सोनी का गांव कहां है ये नहीं बता रहे। जनता यहीं की पैदाशी है। युवा कांग्रेस और यूनिसेफ 10 साल से अध्यक्ष है, 5 साल यूनिसेफ और इसके जब आकाश को हमने जिम्मेदारी दी थी कि जब रमन सिंह विकास यात्रा निकाला था, विकास खोजो यात्रा इन्होंने निकाला, और आपको याद होगा 2018 में रमन सिंह विकास यात्रा छोड़ के हवाई यात्रा हेलीकॉप्टर से यात्रा करना शुरू कर देते। ये वो आकाश है जिससे परेशान है। अब ये आकाश है वो बृजमोहन और सुनील सुनी दोनों के छक्का छुड़ाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मगर यहाँ तो सियासत है साहब, संविधान की व्याख्या से किसी को क्या लेना देना। बहरहाल दक्षिण के दंगल में इस बाहरी के दांव का आगामी असर के लिए परिणाम तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस विषय पर फिलहाल सियासी माहौल बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार व्यवस्थाओं को सरल और सुगम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी बीच सुगम ऐप से अब व्यवस्थाओं को सरल किया जाएगा, प्रक्रियाएं भी अब आसान हो जाएंगी। इसी को लेकर सरल ऐप, अब राजस्व विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरल ऐप, अब इसके जरिए सरल व्यवस्थाओं को बनाने का काम हो रहा है। जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही है। इस ऐप के जरिए लोगों को अब अपनी समस्याएँ, सुविधाएँ, शिकायतें, इसके अलावा योजनाओं की जानकारी, तमाम तरह की शिकायतें इसके जरिए, सुगम ऐप के जरिए आप कर सकते हैं। व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने के लिए ही ये काम हो रहा है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के राज में भ्रष्टाचार और लापरवाही जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। इस बात का उदाहरण सुगम ऐप बनता दिखाई दे रहा है। 21 अक्टूबर 2024 वो दिन था जब सरकार ने राजस्व मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया था। सीएम साय की इस पहल से रजिस्ट्री प्रक्रिया ज्यादा सुविधाजनक बनी, साथ ही जनता को जमीनी कामों में पारदर्शिता भी दिखने लगी। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद
पिछले महीने भर में धोखाधड़ी के मामलों में काफी गिरावट देखी गई। साथ ही साथ अधिकारियों से जुड़ी भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायतें भी बेहद कम दर्ज की जा रही है। तो लोकेट कर लेता है कि वो जमीन की स्थिति क्या है। दूसरी चीज इसका फीचर है, फायदा यह है कि इससे धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा जमीन की रजिस्ट्री की रुकेगी। इसी प्रकार के कई बार रोड रादा उद्यान की जमीन को बेच देते हैं, तो फोटो चित्र रहने से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार की जमीन है वो। तो ये भी एक प्रकार से शासन के पक्ष के लिए भी अच्छा रहेगा, रेवेन्यू को लॉस को कम करने के लिए, रेवेन्यू लॉस रोकने के लिए। सीएम विष्णुदेव साय की इस पारदर्शिता वाली ऐप से सरकार को भी फायदा पहुंच रहा है। सुगम ऐप आने के बाद सरकार को राजस्व नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सुगम ऐप से संपत्ति की पूरी जानकारी होगी, जिसमें रोड, भवन, फैक्ट्री जैसी संरचनाओं को छुपाया नहीं जा सकेगा। सबसे पहली बात तो सरकार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो ऐप लॉन्च किया गया है। काफी दिनों से लोग परेशान होते थे कि उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, बट क्या ऐप के थ्रू सेल्फ हम फोटो कैप्चर करके हम उसके माध्यम से हम रजिस्ट्री कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ये जो सुगम ऐप लेके आए हैं, उससे जो लाइन लगना पड़ता, परेशानी होती थी हम लोग को, वो अब कहीं न कहीं उसका निराकरण कर दिया गया है। पीएम मोदी की गारंटियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता के बीच रखकर पूरा कर दिया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही, छत्तीसगढ़ में सुशासन का उदय हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पंजीयन विभाग के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। सुगम ऐप के माध्यम से किसी भी जमीन की रजिस्ट्री में एक बड़ा जो गोलमोल होता है, जो धोखाधड़ी होती है, उससे बचा जा सकता है। यानी एक जमीन की बार बार रजिस्ट्री कराने का जो मामला सामने आता है, उसके रोकथाम के लिए सुगम ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से विशेष तौर पर जमीन की पूरी तरीके से फोटोग्राफी होती है, उसका GPS लोकेशन सेव होता है, जिससे उस जमीन का पूरे तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से होता है, ताकि उस जमीन का दोबारा किसी तरह से इस्तेमाल या फोटो या फर्जी तरीके से उस जमीन को ना बेचा जा सके। तो इस तरह से सरकार के द्वारा, पंजीयन विभाग के द्वारा सुगम ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका फायदा जो है छत्तीसगढ़ के आम लोगों को काफी होने वाला है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। छत्तीसगढ़ में दुर्ग सांसद विजय बघेल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सांसद विजय बघेल BEd DEd के अभ्यर्थियों से सवाल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान वो कह रहे हैं कि घोषणाएं तो होती रहती हैं, घोषणाओं से क्या होता है। इसी को लेकर अब सियासत गरमा गई है। छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों मामला गरमाया, क्यों घोषणाओं पर सियासी घमासान मचा हुआ है, रिपोर्ट देखिए। वादों का क्या, घोषणाएं तो होती रहती है साहब। दरअसल ये वीडियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग सांसद विजय बघेल का बताया जा रहा है, जो कि जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सांसद विजय बघेल BEd DEd के अभ्यर्थियों के सवाल सुनकर कह रहे हैं कि घोषणाएं तो होती रहती है, घोषणाओं से क्या होता है। दरअसल चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के रूप में 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा BJP ने किया था, लेकिन अब बघेल घोषणाओं से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश में अभी BJP की सरकार है, ये वादा सरकार को पूरा करना है, लेकिन अब सांसद ही इस वादे से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इस वीडियो को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं सांसद विजय बघेल। और हमारे भी जो है जैसे साथी जगह जैसे उधर बघेल के वायरल वीडियो पर सियासी बखेड़ा हो गया। PCC चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। दीपक बैज का कहना है कि दुर्ग सांसद विजय बघेल हैं, मोदी की गारंटी की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अब DEd BEd अभ्यर्थियों से कह रहे हैं कि घोषणाएं तो होती रहती है। वहीं दीपक बैज के तंज पर मंत्री टंकराम वर्मा ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर योजनाओं को गंभीरता से लेती है, 100 दिन में सभी घोषणाओं को धरातल पर लाने का काम हो रहा है। सरकार अपनी हर घोषणाओं को बड़ी गंभीरता से लेती है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी घोषणा की थी, और वो सारी बड़ी बड़ी योजना को 100 दिन के अंदर धरातल पे ले आए, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल बघेल के वायरल वीडियो पर सियासी खेल शुरू हो चुका है। BEd के नाम पर सियासी बेनिफिट तो मिल गया, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिली।
शिक्षक संघ ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई। संघ का कहना है कि प्रदेश में 75,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, सोचिए ऐसे में कैसे बच्चों की पढ़ाई हो रही होगी। सरकार की तमाम घोषणाएं झूठी साबित हुई हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार ने जो वादे किए थे वो कब तक पूरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता को हरा सोना कहा जाता है, लेकिन नारायणपुर में सैकड़ों बोरी तेंदूपत्ता नाले में फेंक दिया गया। इसी को लेकर अब हरे सोने पर सवाल उठने लगे। बोरियों में आखिर क्यों हरे सोने की बर्बादी की गई, क्यों नाले में फेंका गया, ये गंभीर सवाल अब विपक्ष भी उठा रहा है। पूर्व CM भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जांच की मांग की है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बोरियों पर बवाल है, सियासत कितने सोना तोला हो रही है ये भी आप देखिए इसी रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में हरा सोना सियासत का केंद्र बन गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सैकड़ों बोरी तेंदुपत्ता नाले में फेंक दिया गया, जो लोगों के अब गले नहीं उतर रहा है। उधर वन विभाग ने किस प्रकार तेंदुपत्ता यानी कि हरा सोना नाले में बहा दिया, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। इसमें वन विभाग के राजस्व में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उधर विपक्ष ने हरा सोना के संरक्षण पर सवाल उठाए। पूर्व CM भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जांच की मांग की है। पुराना तेंदुपत्ता रहा होगा, सूखा वाला, ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है कि कहां से इतना आया, क्योंकि इसी विषय पे NIA जांच कर रही है। जो मौला मानपुर में जो जांच चल रही है और जो विजयपुर में जो खाते के आधार पे जांच किए, और हम लोगों ने कहा कि भाई वहां तो भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों के भी खाते में पैसे डाले गए हैं, NIA वहां तक क्यों नहीं जा रही है। अभी तक के हमने CBI, ED, IT को पार्सलिटी करते सुना, देखा, लेकिन अब NIA भी पार्सलिटी करने लगा है। तो अब छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच करने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अफसरों से चर्चा की जाएगी, इसके बाद गड़बड़ी होने पर कार्रवाई करेंगे। अब इसके बारे में आज जा रहे हैं, वहाँ पे अधिकारियों से चर्चा करेंगे और जो आप बता रहे हैं उसी स्थिति का हम जायजा करेंगे, और जांच में यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके नियम पर कार्रवाई की जाए। ध्यान दीजिए तो बस्तर अंचल में तेंदुपत्ता को हरा सोना माना जाता है, जो वनांचल के संग्राहकों के अतिरिक्त आय का मुख्य जरिया है। गर्मी के दिनों में जब ग्रामीणों के पास ना तो खेतों में काम करने के लिए काम होता है, ना ही उनके लिए किसी प्रकार के रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, ऐसे में तेंदुपत्ता यानी हरा सोना संग्रहण ये ग्रामीण करते हैं, आय का साधन बनाते हैं। सरकार हरा सोना के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, तेंदुपत्ता यहाँ के ग्रामीणों की रोजी रोटी का साधन बन गया है, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। नारायणपुर से कुछ दूरी पर नाले में तेंदुपत्ता से भरी बोरियां तैरती हुई दिखाई दी हैं। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में हरा सोना नाले में क्यों फेंका गया ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की नीति से खेती किसानी संवर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में किसान मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसान मेले में कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की नीति रीति से खेती किसानी संवर रही है। छत्तीसगढ़ में किसान मेले का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने रायपुर में कहा कि विकसित भारत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। खेती किसानी को आधुनिक बनाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना है छत्तीसगढ़ सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से धान की खेती को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि खेती किसानी में युवाओं को जोड़कर इसे आधुनिक खेती की तरफ आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। मेले में कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों के विकास पर जोर दिया गया। वहीं एग्रीकल्चर की पढ़ाई की सुविधा युवकों को मिले इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही खेती किसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये किसान मेला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज कई तरह के हम किताब के विमोचन भी करे हैं अलग अलग फसल के। इस सबला भी मैं चाहूं कि किसान यहां से हासिल करें और ओकर अध्ययन करें। निश्चित रूप से खेती बाड़ी में आगे बढ़े में ये सब सहयोगी हुई। हमारे छत्तीसगढ़ वनोपज
से भी में भी बहुत रीच है, सैकड़ों तरह के वनोपज है, ओकर भी वैल्यू एडिशन करके हमन हमर किसान मन के आयला बढ़ा सकत हन। और हमर छत्तीसगढ़ के सरकार ये 10 महीना में किसान मन के हित में जो काम करी से ओला ज्यादा बताए के आवश्यकता नहीं है। हमन पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करे हन, और वो भी जो वादा करे रहन 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम, वो सबला पूरा करे हन। 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 13 लाख किसान मन के वो देह के काम करे हन। तो सारा काम किसान मन के हित में होते। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि कृषि में स्वरोजगार के लिए उत्पादन बढ़ाने का काम हो रहा है, फसल चक्र का परिवर्तन, कृषि उत्पाद की पैकेजिंग एवं मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में निरंतर उन्नति हो रही है, सरकार खेती किसानी को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। देखिए, जब आयोजन होता है इस तरह का तो उसमें कृषि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं और अलग अलग सेक्टर में जो हमारा एलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, उससे जुड़ करके किसान क्या क्या अपना खेत के साथ खलियान से लेकर के तालाब नदी जितने भी पशुपालन से लेकर के उद्यानिकी के लेकर के फल की खेती, सब्जियों की खेती, अन्न की खेती, मसाले की खेती, ये सब अलग अलग सेक्टर में इतना विशाल क्षेत्र है और उनको एक छतरी के नीचे ला करके एक जगह किसानों को देखने का, यहाँ के नए नए जो हमारे बहुत सारे स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से देश की प्रगति में नए नए आविष्कार हो रहे हैं उसको ला करके दिखा करके लोगों को एक तरह से माइंड चेंज करने के लिए जो कृषि विभाग ने इस तरह का आयोजन कर रहे हैं वो निश्चित ही इससे हमारा प्रदेश और देश का ये भविष्य जो है इसके कृषि विभाग के हाथ में वो निश्चित ही परिवर्तनकारी है। फिलहाल सरकार खेती किसानी को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है, उत्पादन के साथ फसल चक्र में परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रीय किसान मेले का आगाज किसानों की आर्थिक तरक्की में माइलस्टोन का काम करेगा। किसानों को सशक्त समृद्ध बनाने के लिए साय सरकार संकल्प पत्र के सपने को साकार करने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। बीजेपी के संगठन चुनाव पर सियासी तनाव शुरू हो गया। 5 नवंबर से संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए प्रभारी अब ग्राउंड जीरो पर जुट चुके हैं। सबसे पहले बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, अंत में प्रदेश का चुनाव संपन्न होगा। इसी को लेकर आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में संगठन चुनाव पर सियासी तनाव शुरू हो चुका है। बीजेपी अब संगठन चुनाव की प्रक्रिया कराने जा रही है। बीजेपी के संविधान में धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था है, जिसके लिए सदस्यता अभियान शुरू किया गया था। वर्तमान में सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, इसके बाद बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे। वर्तमान में भाजपा के कई पद अभी भी खाली हैं, उनको भी चुनाव के बाद भरा जाएगा। 30 अक्टूबर को पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान की समाप्ति होने जा रही है, उसके बाद 5 नवंबर के बाद संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले मंडल और जिला संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव होगा, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। वहीं प्रदेश स्तरीय संगठन के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने दिसंबर तक सभी मंडल और जिला संगठन का चुनाव कराने का लक्ष्य रखा, इसके बाद जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। उधर कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है, बीजेपी पर निशाना साध रही है। हाँ, तो लगातार चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हर 3 साल में संगठन का चुनाव होता है और 6 साल में रिन्यूअल होता है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, और यही कारण है कि अभी हमारा जो महासदस्यता अभियान है वो बहुत अच्छे से हुआ। हमारे पूरे देश में जो लक्ष्य रहा उसको हम
लगभग पहुंच चुके हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लक्ष्य की ओर ऑनलाइन और ऑफलाइन करके छत्तीसगढ़ में भी जो लक्ष्य दिया गया था शुरू में उस लक्ष्य को पार करने की स्थिति में है। वो उनका निर्णय है, उनका निर्णय है। बाकी हम लोग तो पूरी अभी दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पे भी फोकस किए हैं। फिलहाल हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अब संगठन चुनाव कराने जा रही है। सक्रिय सदस्यता अभियान के ठीक बाद 5 नवंबर से संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए प्रभारियों का भी ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव कराने की जिम्मेदारी खूबचंद पारख, मधुसूदन यादव, कृष्णमूर्ति बांधी, चंपा देवी पावले को दी गई, लेकिन चुनाव है तो अब सियासी तनाव भी दिखाई दे रहा है। रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी में बागी नेता अब रडार पर है, इनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। खास बात यह कि कई पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हैं, मंत्री भी शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बगावत की। अब उसके बाद संगठन ऐसे नेताओं पर कसावट कसने का काम कर रहा है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। भाजपा में नहीं होगी बागी कार्यकर्ताओं की एंट्री। लिस्ट में शामिल है कई पूर्व विधायक और मंत्री। बागी कार्यकर्ताओं की डिजिटल सदस्यता की जाएगी निरस्त। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भी होगी छटनी। भाजपा में भले ही हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो गए हों, लेकिन भाजपा के बागियों की घर वापसी संभव नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान बागियों को मनाने के भरसक प्रयास किए गए थे। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने संभागीय बैठकें ली थी। उन्होंने स्वयं बागियों से आग्रह किया था। उनके प्रयास से ही धार में रंजना बघेल और जबलपुर में धीरेन्द्र पटेरिया ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था। इसके बाद भी कई क्षेत्रों में बागी डटे रहे। अब पार्टी ऐसे बागियों की घर वापसी के पक्ष में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी भी ऐसे ही बागियों में शामिल हैं। वह कांग्रेस के टिकट पर खातेगांव से चुनाव भी लड़े और पराजित भी हुए। लंबे समय से वह भाजपा में आने के लिए सक्रिय हैं, पर पार्टी उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि होता है। जिन नेता कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के अनुशासन को नहीं माना गया, पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा गया और पार्टी का विरोध किया गया, ऐसे नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं। सदस्यता अभियान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग पार्टी से निष्कासित हैं उन्हें किसी भी तरह से सदस्यता ना मिल सके। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन संगठन की रीति नीति सबसे ऊपर है और इसी का पालन सभी लोग करते हैं। मध्य प्रदेश के बागी विधायकों में मैहर से पूर्व विधायक रहे नारायण त्रिपाठी का नाम भी शामिल है। त्रिपाठी कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा से भी विधायक रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी विंध्य विकास पार्टी बना ली थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का नाम भी बागियों की लिस्ट में शामिल है। चौहान भी बुरहानपुर से भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के विरुद्ध में चुनाव लड़े थे। अब ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इनमें से बहुत सारे नेताओं ने भाजपा की डिजिटल सदस्यता ले ली है और वे सक्रिय सदस्य बनने के प्रयास भी कर रहे हैं। संगठन ने कहा है कि ऐसे बागी यदि सदस्य बन भी गए तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। पूरा भारत देश जान रहा है और प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है किस तरीके की फर्जी सदस्यता अभियान भाजपा चला रही है। लगातार पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी ना संगठन संभल रहा है ना सत्ता संभल रही है। पूरे तरीके से अवसाद के दौर से गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी। बुधनी में जो टिकट हुआ है सबको पता है, 1000-2000 उनके कार्यकर्ता जितने भी हैं विरोध कर रहे हैं। जनता वैसे ही विरोध कर रही है, उनका कार्यकर्ता भी कर रहा है। अब वो बागियों को साधे या किसी को भी साधे या हटा दें, अब भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि 10 महीने का जो वर्तमान का कार्यकाल चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक चल रहा है। जनता भी परेशान है और इनका खुद का कार्यकर्ता भी बहुत परेशान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। वहीं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी भी बदली थी। बीजेपी अभी सदस्यता अभियान चला रही है, जिसके तहत प्रदेश भर से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। सदस्यता अभियान के माध्यम से बागी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को अब पार्टी निष्कासित करने का काम करेगी।
अनुशासन समिति ही तय करेगी कि किसे पार्टी में लेना है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। सियासत की बात में इतना ही, आप देखते रहिए बीएस टीवी। नमस्कार।